दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सिर्फ खाता नंबर डालकर अपने किसी भी बैंक का बैलेंस आप अपने मोबाइल में कैसे चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको खाता नंबर डालना है और बैंक बैलेंस आप चेक कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना खाता नंबर डालकर बैंक बैलेंस चेक करते हैं, पासबुक दिखाते हैं और साथ ही साथ किसी भी योजना का पैसा आया होगा तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपका किस बैंक में खाता है। जैसे मेरा SBI है, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सिर्फ खाता नंबर से बैंक बैलेंस चेक करने के लिए आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होगा, इसको ओपन कर लीजिएगा और आपके सामने गूगल में आप ये चीज़ सर्च करिएगा, टेक्नो राशि खाता। तो जब आप टेक्नो राशि खाता इस तरीके से सर्च करेंगे गूगल में, यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नो राशि खाता, तो यहाँ मिलेगा। सिर्फ खाता नंबर से किसी भी बैंक का बैलेंस चेक करें, जनधन किसान योजना का पैसा चेक करें, गैस सब्सिडी चेक करें या छात्रवृत्ति का पैसा चेक करें, हर एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं सिर्फ खाता नंबर डालकर। तो आपको गूगल में टेक्नो राशि खाता सर्च करना है और इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो सीधा डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम डाल देना है, जो भी आपका बैंक का नाम है आपको वो बैंक का नाम डालना, जैसे स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना खाता नंबर डालना है, यहाँ भी खाता नंबर डालना है और ये वेरिफिकेशन कोड डालकर सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ों को मैं फटाफट भर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बैंक का नाम, खाता संख्या और ये कैप्चर कोड डाल दिया। अब सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने सेंड OTP पे क्लिक किया तो इस नंबर पे एक OTP आएगा, तो मेरे दूसरे नंबर पे एक OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देते हैं। और जैसे ही OTP को मैं डाल दूंगा पूरा मेरा डिटेल आ जाएगा देखने को। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस फोन में मेरा OTP यहाँ पर आ गया है, 2452 यहाँ पर ये वाला OTP है, 6521 75 6521 75। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 65, यहाँ पे 65 21 75, ठीक। अब यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ स्टेट बैंक का भी अकाउंट नंबर ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं UTR नंबर है और ये क्रेडिट यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं, पेमेंट मेथड देख सकते हैं और कितना कितना पैसा यहाँ पे आया है पूरा आप डिटेल देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं। और यहाँ देखिए 21413 आया है, 18405 आया है, 2055 आया है। इस तरीके से सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हुआ, कब कब डेट में हुआ है, यहाँ पर पूरा डेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप पूरा चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में जो है कितना पैसा कब कब आया है, तो इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ आप खाता नंबर से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।